अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह। एक बार फिर आपकी सुबह को बाखबर मनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं नाज़रीन। गैस कनेक्शंस, जिसके बारे में अभी थोड़े अरसे पहले ही वजीर आजम साहब ने कहा कि जी गैस स्कीमें दोबारा से मुतारफ करवाएंगे। आखिरकार इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, इलेक्शंस के करीब आने पर कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स तो लोगों को देना पड़ेगा ताकि वोटिंग की जा सके। अब जरा सिंध की तरफ चलते हैं और सिंध के अंदर भी कई देहात ऐसे हैं जो आज भी गैस से महरूम है। हालांकि सिंध में इथर का खजाना है, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, जिसकी गैसिफिकेशन के बारे में भी बात होती रही, जिसको निकाल कर इस्तेमाल करने के बारे में बात होती रही। लेकिन अजीब बात यह कि सिंध में ही कई देहात ऐसे हैं जहां गैस नहीं है। और अब क्या जब उनको गैस फराहम होगी तो मुनसफाना तरीके से होगी, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राव खालिद साहब, एडिटर 92 न्यूज रोजनामा, बहुत शुक्रिया राव साहब आपने ज्वाइन किया। सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपने ज्वाइन किया। सुहेल साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ये 440 के करीब देहात जो गैस से महरूम है, अब इनको गैस देने की बात हो रही है, लेकिन वो मुराद अली शाह साहब को अक्सर औकात ऑर्डर्स आ जाया करते हैं। अभी क्या सिचुएशन है, क्या तमाम गांव को मिलेगी गैस और इक्वल बेसिस पर मुनसफाना तरीके से मिलेगी? अनीका, इसमें पहली बात तो ये कि सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता कई सालों से ये वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया जाता रहा है कि 18वीं तरमीम के बाद गैस के पैदावार के ऊपर पहला उनका हक है। सिंध के कई ऐसे इलाके हैं जिन्हें गैस फराहम नहीं की जा रही। पंजाब की हम गैस बंद कर देंगे अगर सिंध को गैस फराहम ना की गई। कुछ दिन कबल भी वज़ीर-ए-आला सिंध और उनकी कैबिनेट के अरकान की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि हमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है वफाकी हुकूमत। हम पंजाब की गैस बंद कर सकते हैं, हम सुई सदरन को अपनी तहवील में ले सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जो कि सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को लिखे गए खत में हुआ है, जो उनका तहरीरी मौकफ ये सामने आया है कि वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक हुक्म की रोशनी में ये फैसला किया कि मुल्क भर के अंदर ऐसी गैस फील्ड जहां से गैस निकलती है उसके 5 किलोमीटर के इतराफ में जिन इलाकों को आज तक गैस नहीं मिली उन्हें गैस दी जाए। सिंध हुकूमत से वफाकी हुकूमत ने रब्ता किया कि गैस फराहमी की जो नई स्कीमें थी, माजी में उनका तरीकेकार ये था कि वफाकी हुकूमत उनके लिए फंडिंग प्रोवाइड करती थी। 2013 के बाद वफाकी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत गैस स्कीमों के लिए रकम मुख्तस नहीं करती। लिहाजा सिंध हुकूमत से कहा गया कि आप मुतालबा भी करते हैं आए रोज, और सिंध के 437 गाँव ऐसे हैं जिन्हें आज तक गैस नहीं मिली, और ये वो गांव हैं जहां से गैस निकल रही है दूसरे बड़े इलाकों को, शहरों को सिंध में जा रही, लेकिन उन्हें नहीं मिल रही थी। वफाकी हुकूमत से कहा गया कि इसके अंदर तकरीबन 2.5 अरब रुपए लागत होगी इन गांव के लिए, आप इस रकम में से कुछ रकम सुई सदरन शेयर करेगी एक फार्मूले के तहत, जो इजाफी रकम होगी या नई गैस स्कीमों के लिए वो सिंध हुकूमत अदा करेगी सुई सदरन गैस कंपनी को। सिंध हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत को एक खत लिखा गया है, यानी वजारत पेट्रोलियम को, जिसमें उन्होंने दो टोक इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सिंध के देहातों को गैस भी आप फराहम करें, इसके लिए जो फंड्स हैं 100% वो भी वफाकी हुकूमत अदा करे, हम कुछ करने को तैयार नहीं है। अब वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि अगर इस कंडीशन के ऊपर आपने गैस के कनेक्शन हासिल करने की कोशिश की तो फिर किसी सूरत नहीं मिल सकते, इसलिए कि वफाकी हुकूमत के पास कोई इजाफी फंड्स ही नहीं है जिसके जरिए से सिंध के देहातों को गैस फराहम की जा सके। अब ये एक तनाजा बना हुआ है वजारत पेट्रोलियम और सिंध हुकूमत के दरमियान। उसके बाद एक समरी तैयार की गई जो कि आज मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में पेश की जाएगी, वहां पर सिंध हुकूमत का मौकिफ भी रखा जाएगा, वजारत पेट्रोलियम वफाकी हुकूमत अपना भी मौकिफ देगी, और फिर हतमी फैसला होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, वहां से भी मुतअद्दिद मरतबा मुतालबा किया गया है बलूचिस्तान की जानिब से भी कि जहां जिन देहातों से जिन इलाकों से गैस निकल रही है उससे मुल्हिका देहातों को गैस फराहम की जाए। इसी स्कीम के तहत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान ने भी एक दोहरा मियार अपनाया है। उनका ये कहना है कि जो देहातों को जिन देहातों को गैस की फराहमी करनी है उसके लिए तकरीबन 3.5 अरब रुपए बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे हालात कुछ बेहतर नहीं है, आप ये अखराजात बलोचिस्तान के अंदर सुई सदरन पर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सुई नॉर्दर्न पर डाल दें, ठीक है, तो फिर देखेंगे। तो यानी कहने का मकसद यह है कि आइन के आर्टिकल के तहत 300 सूबाई हुकूमतें बारहा मुतालबा करती हैं आए रोज के उनके अवाम को, उनके अवाम का गैस की पैदावार के ऊपर पहला हक है, उन्हें गैस के कनेक्शन नहीं मिल रहे, नई स्कीमें नहीं मिल रही। अब जब वफाकी हुकूमत मजबूरन, माजी के अंदर वफाकी हुकूमत भी इन इलाकों गैस देने को तैयार नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद वफाकी हुकूमत अब तैयार है गैस स्कीमें और गैस कनेक्शन देने के लिए, लेकिन तीनों सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध उसके लिए फंड्स अदा करने को तैयार नहीं है, जबकि ये मामूली फंड्स हैं जिसके बाद देहातों को गैस मिल सकती है। यानी बात ये हुई राव साहब के तब तक जब तक ऐसा लगे कि काम नहीं होने वाला तब तक चीखते रहें, पॉलिटिक्स करते रहें,
लोगों को ये बावर कराते रहे कि देखिए हम आपके हुकूक की बात कर रहे हैं और आपका हक नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जब हक देने की बात आ जाए तो बैक ऑफ कर जाए, देखिए जी पैसे नहीं है, ये नहीं है, इस तरह। तो फिर वफाक भी बोले कि हमारे हालात ठीक नहीं है, बजट का सारा बहुत बढ़ता चला जा रहा है, हम पैसे नहीं दे सकते। अगर आप उनके बयान की बैकग्राउंड देखें तो वो किसका हक मांग रहे थे? वो एक खास पावर प्लांट के लिए उन्हें बिजली चाहिए थी, वो जब वो गैस चाहिए थी, तो वो जैसे ही उसका मसला हल हुआ, अब उन्होंने एकदम से कलाबाजी कर रही है, डबल टॉक जिसको कहते हैं या मुनाफ़कत दूसरे लफ्ज़ों में, कि एक तरफ आप नारा लगा रहे हैं जी हमारी गैस है, नो डाउट सिंध में सबसे ज़्यादा गैस निकल रही है, 47% आई थिंक टोटल जो है वो सिंध से निकल रही है गैस इस वक्त पाकिस्तान की, तो वो नारा लगाते हैं जी हमें मिलनी चाहिए, हमारा पहला हक है और आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक सूबे का हक पहला है अभी। तो ये आपने इनके लिए कोई प्लान ही नहीं किया, इतने सारे गांव थे आपके, आपके किसी वक्त ठीक है कैप था बड़े अरसे से, एक एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मे बी PSDP में उन्होंने एलोकेशन ना की हो, इसकी इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन अभी तो साल कंक्लूड हो रहा है ना, अब तो अगला साल आ रहा है, उसमें आप एलोकेट कर दें, इसमें उससे भागने की क्या जरूरत है, आप एलोकेट करें कि जी ठीक है हमें अभी नहीं, हम 3.5-4 अरब जितने भी बन रहे हैं वो अगले में एलोकेट कर देते हैं, हाँ 2.5 अरब रुपए आप अगले PSDP में प्रायोरिटी पे इसको एलोकेट कर दें कि जी 437 देहातों को गैस मिल जाए, लेकिन नहीं ये नहीं करना ना, लोगों को सुकून क्यों मिले, लोगों को आसानी क्यों मिले, ये काम तो करना ही नहीं है, वो काम करना है जिससे उनके आका खुश हों, उनके जिनकी मुट्ठी चांपी वो करते हैं वो खुश हों, और किसी को खुश करने के तैयार नहीं है, या अपनी जेब भरनी है या अपने आकाओं को खुश करना है, ये एक हमारी जितनी भी हुकूमतें हैं ये बुनियादी तौर पर उनका यही फर्ज रह गया, जहाँ पर तो लीडर खुद हुकूमत में है तो उसको बहुत से वैसे मिल जाते हैं, जहाँ पे वो अपने किसी क्रोनी को लगा देता है तो वो उसकी सारी तवज्जो हुकूमत करने की बजाय अपने आका को खुश करने में लग जाती है। लाड़काना पे 60-18 रुपए लग सकते हैं तरक्याती स्कीमों के नाम के ऊपर, तो सिंध के 437 देहातों को पीनट है, 2.5 अरब रुपए फार्मिंग करनी है तो मुश्किल ही सिंध के लिए, लगे भी या नहीं लगे, लाड़काना की सड़क की आज आप हालत देख लीजिए, क्या वो सड़क बनी है या नहीं बनी, सवाल ये भी है ना कि ठीक है आपने पेपर्स में लगा दी है लेकिन असल में लगाया या नहीं लगाया। अच्छा नूरियाबाद वाली चीज पे भी आते हैं, नूरियाबाद में तो ये धमकियां देने लग गए थे कि हम लोग रैनसैक कर देंगे, जिस तरीके से SSG का रवैया है हमारी तरफ, और अब यहाँ खामोशी है, बल्कि उल्टा ये कह रहे हैं पैसे हमें दे दे। अगर यही था, प्लानिंग नहीं थी, तो पहले इंस्टेंस पर इतनी बड़े दावे नहीं करने चाहिए थे कि हमें दे हमारा हक और नहीं तो हम ये वाला काम कर देंगे, जिस तरीके से उन्होंने SSG के बारे में बात, FIA को भी धमकियां दी थी ना उन्होंने, जब काम हो गया तब खामोश हो गए उस पे। ये सिंध हुकूमत का वफाकी हुकूमत को लिखा गया ये खत मेरे ख्याल में उनके उसके दोहरे मियार की निशानदही करता है कि जब वो सिंध के हकूक की बात करते हैं गैस की फ्राहमी से मुतल्लिक, और जिस जो चंद दिन कब उन्होंने मुतालबा भी किया, लगता है कि वो सिंध का उनसे मुतल्लिक नूरियाबाद पावर प्लांट ही था। मेरे ख्याल के मुताबिक सिंध के अंदर जिन बड़े इलाकों को तो गैस मिल चुकी है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जिन छोटे देहातों की बात की गई है, ये वो इलाके हैं जहाँ पर छोटे छोटे बहुत इंतहाई गरीब और गरीब लोग हैं, पसमानदा इलाके हैं, उनको गैस फराहमी की बात की है। सिंध हुकूमत का ये फर्ज था कि अगर उन्हें 2.5 अरब रुपए, अच्छा 2.5 अरब रुपए पूरे उन्होंने अदा नहीं करने, उसमें से तकरीबन जो फार्मूला एक वजह किया गया है, इस 2.5 अरब में से तकरीबन 1.25 अरब रुपए सुई सदरन अदा करेगी, 70-30 की रेशियो, हाँ जी, और उसके मुताबिक यूं समझ लें कि मैक्सिमम 1 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने अपने बजट से देना है, और सिंध के 437 देहातों को और उन देहातों को जो कि गैस फील्ड के अतराफ में है, जिनकी आंखों के सामने जिनकी इलाकों से गैस निकल रही है कई सालों से, उन्हें आज तक गैस की सहूलत नहीं मिली, उन्हें ये सहूलत मिल सकती थी। तो सिंध हुकूमत मुतालबे जरूर करती है, दोहरा मियार जरूर है, लेकिन नूरियाबाद पावर प्लांट से हटके उनको चाहिए कि सिंध के अंदर वो भी इलाके शामिल है जिनके 437 देहातों गैस फराहम करने की बात की जा रही है। मुराद अली शाह साहब को थोड़ा इस पे गौर करना चाहिए, गौर बिल्कुल करना चाहिए, और स्पेशली जहां से गैस निकल रही है और लोग देख रहे हैं, तो फिर एहसास महरूमी भी आता है, और एहसास महरूमी आता है तो उसके बाद फिर डेफिनेटली वफाक के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं कि किधर है हमारा हक, और जब हक देने की बात करे और वही सूबाई हुकूमत जो हक मांग रही हो वो ये कहे कि नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं हमारे लोगों को हक देने के लिए, सिर्फ नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए गैस चाहिए थी, मिल गई, अब मामला ठंडा है, तो फिर कहां गई गुड गवर्नेंस। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और गुड गवर्नेंस का एक जो हिंट होता है वो ये होता है कि जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए वो खत्म हो जाए और कंप्लीट हो, बेहतर तरीके से काम करे, लेकिन यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू तो हो गए लेकिन खत्म होने का नाम नहीं लेते और कौमी खजाने को भारी नुकसान देते हैं। नंदीपुर एक है, नीलम जेलम को देख लेते हैं, और अभी तो खैर भिक्की भी कुछ दिनों पीछे उसको झटके लगे थे, लेकिन कच्ची कनाल, सोहेल साहब कितने अरसे से कच्ची कनाल की बात सुन रहे हैं, अब उसके हवाले से क्या हो रहा है? निका, ये कच्ची कनाल का ये वो मनसूबा है जो कि बलूचिस्तान की 7,13,000
जरखेज एराजी को सराब करने के लिए 2002 में शुरू किया गया था। यानी बलूचिस्तान की वो एराजी है जो पानी न होने की वजह से सराब नहीं हो पा रही। 2002 में ये मंसूबा शुरू हुआ। वाबडा इसको लीड कर रहा था। वाबडा के ज़ेरे निगरानी इसने तमीर होना था। 500 किलोमीटर की कैनाल बननी थी। द्रैसिन से तौनसा बराज के जरिए पानी की फराहमी का मंसूबा था, लेकिन बदकिस्मती से 31 अरब रुपए में जो मंसूबा मुकम्मल होना था 2007 में, वो 2017 आ गया। 10 साल गुजर चुके हैं, वो मंसूबा आज भी मुकम्मल नहीं हुआ। और उसकी लागत में पहले 31 अरब रुपए से बढ़ाकर उसकी लागत 76 अरब रुपए की गई, और फिर 76 अरब रुपए से बढ़ाकर उसकी लागत 102 अरब रुपए की गई। इस अरसे के दौरान कौमी खजाने को और बलूचिस्तान को नाकाबले तलाफी नुकसान पहुंचा है। मुश्तरका मफादात कौंसिल ने गुज़श्ता साल इंक्वायरी कमेटी कायम की थी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में 4 रुकनी ये कमेटी थी। इस कमेटी को ये टास्क लिया गया था कि आप इंक्वायरी कीजिए कि इतने सालों से जो मंसूबा जेरे तमीर है वो एक तो मुकम्मल नहीं हो सका, उस वजह से एक नुकसान पहुंचा, उसकी लागत में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है, माजरा क्या है। और इस इंक्वायरी कमेटी बनाने की एक खसूसी बात यह भी थी कि इससे पहले 2 इंक्वायरी कमेटी कायम की गई। एक वाबडा के जेरे निगरानी थी, और दूसरी एक कंसल्टेंट को ऑर्डर किया गया कि आप इंक्वायरी कीजिए कि कौन लोग जिम्मेदार हैं इस मंसूबे में तखीर के, और किन लोगों ने कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया, कौन लोग जिम्मेदार हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, पहले जो 2 इंक्वायरियां की गई 2 मरतबा, उन दोनों के अंदर कोई फाइंडिंग सामने ना सकी और जिम्मेदारों का तय ना किया गया। अब जब ये गुज़श्ता साल जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की सरबराही में कमेटी कायम की गई, उनकी रिपोर्ट हमें मौसूल भी हुई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि साबिक चेयरमैन वाबडा जुल्फकार अली खान, वाबडा के मोस्ट सीनियर 12 अफसरान, वजारत पानी और बिजली, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, और उसके साथ साथ जो दीगर हुकूमती वजारत खजाना के कुछ लोग थे, वो जिम्मेदार हैं सारे मंसूबे के अंदर तखीर और कौमी खजाने को 26 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने के। ये बताया गया कि यह वाहिद मंसूबा था वाबडा जो इतने सालों से इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के मंसूबे मुकम्मल करता है। ये टेक्निकल एक बड़ा मंसूबा था। इस मंसूबे को शुरू करने से पहले फिजिबिलिटी स्टडी ही नहीं करवाई गई। इस मंसूबे की प्लानिंग, इसके डिजाइन और एग्जीक्यूशन के अंदर ऐसे ऐसे ब्लंडर किए गए हैं जिसको कोई सोच नहीं सकता। ये तमाम चीजें इस बात की निशानदेही करती हैं कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को या कुछ लोगों को नवाजने के लिए इस किस्म के फ्लॉज क्रिएट किए गए और फिर अल्टीमेटली बेनिफिट उनका हुआ। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इस कमेटी की जानिब से ना सिर्फ जिम्मेदारों का बाई नेम तय कर दिया गया, अफसरान के जो वाबडा के अफसरान है उनका भी बाई नेम उनकी निशानदेही की गई है। आज मुश्तरका मफादात कौंसिल में ये इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, और मुश्तरका मफादात कौंसिल से सिफारिश की गई है कि जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मंसूबे के लिए जो फंड्स हैं तरजीही बुनियादों पर जारी करते हुए इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, क्योंकि ये मंसूबा बलोचिस्तान के किसानों की किस्मत बदल देगा। ठीक है, इसको हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। और बलोचिस्तान की जमीन है जरखेज, क्योंकि मेरे अपने लॉस का वहां से ताल्लुक है। बलोचिस्तान की जमीन बहुत जरखेज है, बहुत सारा वहां से एग्रीकल्चरल क्रॉप ले सकते हैं, लेकिन ले नहीं रहे क्योंकि इस तरह की गफलतें। लेकिन राव साहब, फिर वो बात आती है, मुझे तो वो डिजाइन फ्लॉ से इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी याद आता है। यानी हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू होता है उसके अंदर डिजाइन फ्लॉ निकल आता है, या फिर कोई ऐसी इल इंटेंशन नजर आ जाती है कि कोई काम ही नहीं कंप्लीट होता। 15 साल हो गए शुरू हुए इस प्रोजेक्ट। ये वो जो एक मैं पहले भी एक दो जिक्र किया था, ठेकेदाराना ज़हनियत जो है, चाहे वो पॉलिटिक्स में कुछ लोग हैं जिनकी है, कुछ लोग वाकई असली ठेकेदार हैं, और जो जिम्मेदारान हैं सरकारी अहदेदारान, उनमें भी ये ठेकेदाराना ज़हनियत है। उसमें वो दिहाड़ी लगाने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो होता है हमेशा से। लेकिन ये कच्ची कनाल का जो असल, मेरे ख्याल से जो मुझे इसके बैकग्राउंड का भी पता है, वो शौकत अजीज़ जो प्राइम मिनिस्टर है वो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है इसके, क्योंकि ये वो शख्स थे जिन्होंने मार्शल लॉ लगने से पहले यहाँ फौज को आके ब्रीफिंग्स दिया करते थे बलूचिस्तान के ऊपर, और ये सारा प्रोजेक्ट ग्रीन सब्ज इनकलाब लाने का बलूचिस्तान में जो था वो शौकत अजीज साहब का ब्रेन चाइल्ड था बेसिकली। ये उसी का एक हिस्सा है ये भी कच्ची कनाल। ये बहुत बड़ा 11 लाख एकड़ का एरिया जहाँ से ये गुजरनी है नहर और सारे उसको सैराब करना है इसके, बहुत बड़ा प्लेन है, कच्ची प्लेन जिसको कहते हैं। तो उनको वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वो वजीर खजाना भी रहे, फंड भी उन्होंने रिलीज करने थे, और जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको मॉनिटर करना चाहिए था, एज अ ब्रेन चाइल्ड भी करना चाहिए था, अदरवाइज भी बलोचिस्तान के हवाले से जो उन्होंने सब्ज बाग दिखाए थे मुशरफ साहब को, और जिसकी वजह से उनको वजीर खजाना बनाया गया, फिर वजीर आजम बनाया गया, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज्यादा सुस्ती उसी दौर में हुई है।
उसके बाद अभी तो फिर भी कुछ किया जा रहा है। ये 30 अरब 31 अरब से मनसूबा शुरू होता है और अब 80 82 अरब 90 अरब तक 102 अरब तक पे पहुंच गया। अब इसका अंदाजा लगाए बुनियादी मुजरिम वो है जिन्होंने इसको शुरू किया और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश ही नहीं की। दूसरे नंबर पर वो यकीनन आते हैं जिसका भट्टी साहब ने अभी उसको पॉइंट आउट किया कि जिन्होंने ठेका दिया वो चेयरमैन वाबदा। अगर सीरियसनेस देखे सीरियसनेस ऊपर से होती, वज़ीर आज़म सीरियस होते, परवेज मुशर्रफ सीरियस होते इस मनसूबे के बारे में, वो ऐलान बहुत करते थे। मैं उनके साथ कवरेज पे जाता था, ऑफ एंड ऑन बलूचिस्तान में भी हम जाते रहे, वो बहुत करते थे दावे इस पे और बहुत इसको हाईलाइट किया जाता, प्रोजेक्ट किया जाता मीडिया में भी। लेकिन अमलन जो है वो कोई किसी ने नहीं पूछा कि जी कहाँ जा रहे हैं हम, कच्ची कनाल बन रही है नहीं बन रही। हमने जो अपना एक एग्रीकल्चर का एक सब्ज इनकलाब लाने का बलूचिस्तान के लिए ख्वाब देखा था और पाकिस्तान के लिए बल्कि ये ख्वाब देखा था, जो हम जिस मुश्किलात का अब शिकार है कि दालें हमें बरामद करनी पड़ रही हैं, दरामद करनी पड़ रही हैं बाहर से, तो वो चीज़ें ये नहीं होनी थी। अगर इसको कर लिया जाता आज से 3-4-5 साल पहले 6 साल पहले ये कम्प्लीट हो गया होता तो अब वो ज़मीनें आबाद होती, उससे आप बहुत कुछ फ़ायदे ले रहे होते। और आप सब ये मनसूबा इतना इंतहाई अहमियत का इस लिहाज से भी है, इसने डेरा बुगटी को, जाफराबाद को, नसीराबाद को, बुलान को, झलमकसी को सैराब करना था और बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पर हालात हैं, वहां पर इस मंसूबे से लोगों की पूरी वहां मेंटेलिटी और उनकी इकोनॉमी और उनका सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाना था। हमने 10 साल इसमें तखीर करके मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया। दो पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा, इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर जो उसके इंक्वायरी कमेटी के मेंबर थे साबिक सेक्रेटरी फाइनेंस डॉक्टर वकार मसूद साहब, उन्होंने इस रिपोर्ट के ऊपर दस्तखत तो किए लेकिन साथ अपने उन्होंने एडिशनल नोट लगाते हुए अपने ब्यूरोक्रेट्स अपने पेटीबंद भाइयों को बचाने की भरपूर कोशिश की है। अपने एडिशनल नोट में लिखते हैं कि तखीर जरूर हुई है, लागत 31 अरब से बढ़कर 102 अरब तक पहुंची है, मनसूबा भी गलत तरीके से इसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, फिजिबिलिटी भी नहीं बनी, एग्जीक्यूशन भी गलत है, सब चीजों पर इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि मेरी नजर में इस मनसूबे में इररेगुलरिटी कोई नहीं हुई। जब आपने सारे पॉइंट आउट कर दिया, आपने कह दिया फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं बनी, पहली इररेगुलरिटी तो वही, कॉन्ट्रैक्ट भी गलत तरीके से अवार्ड किया गया। आजकल इसी किस्म के फैसले आ रहे हैं। अच्छा कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट भी गलत, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की वाहिद एक ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट होगी या कैसी मुजरमाना गफलत होगी जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कोई इसमें रेगुलरिटी नहीं हुई। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को आउट ऑफ द वे जाके कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करते हैं, आप रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप रातों रात अमाउंट रिलीज कर देते हैं तो फिर उसके अंदर इररेगुलरिटी नहीं, उसके अंदर बड़े ब्लंडर होते हैं और करप्शन के वाजे उसके अंदर चांसेस होते हैं। आखिरी बात, आज के मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास में हालिया चंद दिन कब इस्तीफा देने वाले वजीर वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा को भी गुज़श्ता रोज स्पेशल इन्विटेशन भिजवाया गया कि आप आज के इजलास में शिरकत कीजिए। आज देखना होगा कि रियाज हुसैन पीरजादा साहब जिन्होंने बयान दिया था कि मैं थूक कर चाटता नहीं हूँ, क्या आज सीसीआई के इजलास में शिरकत करते हैं या नहीं करते। चलिए ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। शिरकत तो पता नहीं करेंगे ना नहीं करेंगे, लेकिन शिरकत की होती है स्पेशली बहुत बड़ा रोल प्ले किया होता है हमारे मुल्क के बुजुर्गों ने, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों ने अपनी जवानी इस मुल्क के लिए सर्व की होती है, मेहनत की होती है, मुल्क को आगे लेकर जाने में खिदमत दी होती है, लेकिन वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं और फिर होता ये है कि हमें पेंशन के लिए लंबी कतारें नजर आती हैं और उन कतारों का कोई भी जो सलूशन नहीं निकल रहा होता है। दी एंड पेंशन हासिल करने के लिए इतनी ख्वारी करनी पड़ती है। पिछले ही कुछ सालों के अंदर हम लोगों ने देखा कि अक्सर बुजुर्ग जो हैं हम लोगों को लाइनों में बेहोश होते हुए भी नजर आए। राव साहब, अब इनके बारे में कुछ करने की कोशिश की जा रही है, यानी कुछ माली इमदाद, कुछ उनके तहफ्फुज के हवाले से क्या है? ये आप जो बात कर रही है वो पर्टिकुलरली वो उन लोगों की कर रही है जो सरकारी मुलाजिम थे, रिटायर हुए या दूसरे जो इदारों से पब्लिक सेक्टर में। लेकिन ओवरऑल जो तादाद है हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त वो तकरीबन 12 मिलियन है, 1,20,00,000 के करीब जो सीनियर सिटीजन हैं। मुशर्रफ के दौर में इसके बारे में शुरू हुआ काम, काफ़ी सीनियर सिटीजन के पैकेजेस के हवाले से बात होती रही, उसमें PIA का किराया हाफ करने की, ट्रेन का किराया करने की तरह। लेकिन जो असल बुनियादी काम करने वाला है उस पर अभी तक तवज्जो नहीं दी गई। अभी भी शायद पॉलिसी क्या बनती है क्या नहीं बनती, उसमें जो उनके हेल्थ केयर सेंटर्स प्रॉपरली, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके अगर कहीं जाना आना हो उन्होंने एक फैसिलिटी स्पेशल होनी चाहिए। उसके बाद शेल्टर होम्स, जो जिनके बच्चे उनकी टेक केयर नहीं करते या जो बिल्कुल बच्चे जिनके होते नहीं या कहीं चले जाते हैं बच्चे उनको छोड़ के, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली शेल्टर होम। ये वो रिटायर्ड लोग नहीं है बल्कि ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत मजदूरी करके ज़िंदगी किसी तरीके उन्होंने गुजारी, एक खास एज को पहुंच के फिर वो उसके काबिल नहीं रहे कि वो मेहनत मजदूरी कर सके, तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। और हमारे यहाँ ये और ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है
कि जो एज एक्सपेक्टेंसी है जो 1960 में को 40-42 के बराबर होती थी, अब 66-67 में पहुंच गई है। ख्वातीन खुशकिस्मत है कि उनकी 1.5 साल और ज़्यादा एज एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रही है। तो ये बुनियादी तौर पे जो उसके लिए करने की ज़रूरत है वो लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। 2014 में KP और सिंध इस पर लेजिस्लेशन कर चुके हैं बुनियादी तौर पर जो सीनियर सिटीजन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की है। लेकिन हमारे यहाँ दूसरा मसला फिर ये आता है, जब हम लेजिस्लेशन कर लेते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, बजाय इसके कि बुजुर्गों के लिए जो फंड एलोकेट हो, जो हेल्थ केयर सेंटर के लिए हो और जो उनके लिए बाकी ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत बनाई जाए, शेल्टर होम बनाए जाए, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, प्रॉपरली चलाना, नेक नियति से चलाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फंड खाने या चीजें बना के तो लेजिस्लेशन का भी कोई फायदा नहीं, पॉलिसी का फायदा भी कोई नहीं होगा। ठीक है सोहेल साहब, अब ये बात आती है कि आप सीनियर सिटीजन के लिए कुछ करने की लेजिस्लेशन, जिस तरह राव साहब ने कहा, इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है, लेकिन यही सीनियर सिटीजन जो हैं हम लोगों को उसके बावजूद दर बदर की ठोकरें खाते हुए नजर आते हैं, क्या पॉलिसी शिफ्ट होने वाला है, कुछ करने वाली है हुकूमत इनके बारे में या नहीं? यानी कि एग्जैक्टली हुकूमत करने वाली है, नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन तैयार कर लेगी, उसका ड्राफ्ट हमें मौसूल हुआ है और आज ये पॉलिसी मंजूर करने के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में पेश की जाएगी। इसका तरीक़ेकार बनाया गया कि इसकी बाकायदा कानून साजी होगी, वफाकी हुकूमत वफाकी इस्लामाबाद के सतह के ऊपर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के ज़ेर इंतज़ाम ये काम चलेगा और उसके बाद चारों सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया है। चारों सूबे नए सिरे से नई कानून साजी करेंगे, कौमी असम्बली के लिए इस कानून की मंजूरी के लिए ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इसके अंदर जो राव साहब ने जिन चीज़ों की तरफ निशानदेही की कि सीनियर सिटीजन के लिए शेल्टर की जरूरत है, इस पॉलिसी के अंदर शेल्टर का पूरा एक मैकेनिज्म दिया गया है। उसके बाद फिनेंशियल सपोर्ट, माली इमदाद का एक तरीक़ेकार दिया गया है। उसके बाद उनकी हेल्थ केयर के लिए खसूस इंतजाम किए गए। उसके बाद सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा होगी, वो भले सरकारी महकमों से रिटायर्ड हों या ना हों, कोई भी होंगे बिला इम्तियाज अगर मुल्क भर के अंदर कहीं भी वो ट्रैवलिंग करते हैं, उन्हें निजी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी पंजाब हुकूमत ने ये प्रपोजल दी है कि निजी ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्टर भी उन्हें इंसेंटिव देंगे, उन्हें हाफ किराया उनसे चार्ज किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इनकी टेक केयर की जाएगी, मुख्तलिफ मराकज कायम किए जाएंगे। तो ये बहुत खुशाइंद बात है, पहली मरतबा यहाँ पर ये इस किस्म की ये इनिशिएटिव लिया गया। भारत के अंदर ये तरीक़ेकार मौजूद है, यूरोप और मगरबी ममालिक के अंदर तो पहले से ही सिलसिला राइज है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पहली मरतबा इसकी कानून साजी होने जा रही है, प्रॉपर पॉलिसी बनने जा रही है। प्रॉपर पॉलिसी बनने जा रही है, इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत के लिए एक चैलेंज होगी कि वाकई में इम्प्लीमेंटेशन कराई जाए, क्योंकि आज तक ओल्ड एज लोगों को एनजीओज के आसरे पर छोड़ा जाता रहा। अगर हुकूमत इनका हाथ थामने ही लगी है तो सही से थामे और मंजिल तक पहुंचाए। हमारे शो में ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बाकी स्टोरीज को ऐड करेंगे। सीनियर सिटीजन्स को जितने भी फवायद दे सकें वो देने की बात हो रही थी, लेकिन कैसे देंगे जबकि मुल्की खजाने को खसारे से दो चार होना पड़ रहा हो, या मुल्की जो तजारती खसारा है वो बढ़ता चला जा रहा हो, उसमें इजाफा होता चला जा रहा हो, कम होने का नाम ना ले रहा हो, और उसके बाद फिर आप ऐसी बात कर दें कि ठीक है हम फायदा तो देंगे लेकिन पैसे होना, और उसके बाद बोलें देखिए जी कौमी खजाना तो खाली है। सोहेल साहब, पिछली स्टोरी को करने के लिए आपको अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन सही करनी पड़ेगी, यानी पिछली स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इम्प्लीमेंटेशन को देख लीजिए, तजारती खसारा बढ़ता चला जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन मेरी आपसे सबमिशन ये होगी, आप हुकूमत को ये आइडिया मत दीजिए कि उन्होंने इसको उजर बहाना बना लेना जब सीनियर सिटीजन की टेक कर करनी होगी, अल्लाह ना करे, क्योंकि उसके लिए बड़ी मामूली रकम चाहिए होगी और उसमें एनजीओ सोशल सेक्टर काफ़ी काम कर रहा है, तो सिर्फ हुकूमत की एक उसके ऊपर पॉलिसी हो, उसको परसू करे तो वो सीनियर सिटीजन को सहूलत मिल सकती है। यहाँ मामला है अरबों डॉलर्स का, वहाँ पर तो शायद अरबों रुपए की भी जरूरत ना हो, करोड़ों रुपये भी काम चल सकता है सूबाई लेवल के ऊपर। यहाँ माजरा ये है कि हमारे एक्सपोर्ट में मुसलसल कमी, इम्पोर्ट में इजाफा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो रकम भिजवाते हैं जिसे हम तरसीलात ज़र कहते हैं, उसमें कमी के बायस जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त बोझ पड़ रहा है। सर डार साहब ने इस बात का ऐलान किया था, यकीन दहानी करवाई थी कि आंधा माली साल के बजट तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं
उन्हें 22 से 23 अरब डॉलर की सतह पर हर सूरत बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने सूरत हाल बहुत बेहतर कर ली है। पीपल्स पार्टी दौर वाली सूरत हाल अब नहीं है। हर सूरत का मतलब यह है कि चाहे कर्जा लेकर पूरे करने, लेकिन उन्होंने कर्ज का नहीं कहा। तो उन्होंने कहा हम परफॉर्म इतना अच्छा कर रहे हैं और जो इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे पास 22 से 23 बिलियन डॉलर्स ज़रे मुबादला के ज़खायर हमारे पास मौजूद रहेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर इम्पोर्ट बिल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट हमारी उस तरीके से बढ़ी नहीं, तफसीलात ज़र जैसे मैंने कहा उसमें भी कमी हो रही है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ज़रे मुबादला के ज़खायर बड़ी तेज़ी से कम हो रहे हैं। अब हमने अगले एक से दो माह में जो पेमेंट्स करनी है उसके लिए पैसा कम हो रहा था और बहुत मुश्किल सूरत हाल होनी थी। कुछ चंद रोज कबल हमने स्टोरी की थी कि स्टेट बैंक निजी बैंकों से निगोशिएशन कर रहा है कि उनके पास जो डॉलर्स पड़े हुए हैं उनसे डॉलर्स का कर्ज, डॉलर्स में कर्ज लिया जाए कुछ अरसे के लिए, ताकि ये जो बजट से पहले का वक्त है उसके अंदर ज़रे मुबादले के ज़खायर ज़्यादा किसी ज़्यादा हद तक कम ना हो। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुल्क के निजी बैंकों से तकरीबन 3 अरब 93 करोड़ डॉलर कर्ज ले लिया गया है। ये शॉर्ट टर्म में कर्ज लिया गया है, इसमें से कुछ रकम एक माह के लिए और कुछ बैंकों से दो माह के लिए, तीन माह के लिए रकम कर्ज ली गई है। मकसद वही है कि आइंदा माली साल के बजट तक जो ज़रे मुबादले के ज़खायर हैं उनमें जो तेज़ी से कमी हो रही है उसको किस हद तक कंट्रोल किया जा सके। अच्छा, अब ये ऐसी सूरत हाल है जो मुस्लिम लीग नून को पहली मरतबा 4 साल के दौरान फेस करना पड़ी है। यही सूरत हाल दरपेश थी कौम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को और ज़रे मुबादला के ज़खायर के लिहाज से पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर। पीपल्स पार्टी ने यही इकदाम उठाया था जिसके ऊपर उस वक्त IMF ने शदीद तहफ़ुज़ात का इजहार किया था और अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस प्रोग्राम से निकलना पड़ा था। अब अगरचे हमारा इस वक्त IMF के साथ कोई मुआहदा नहीं है, लेकिन IMF की जो मौजूदा हुकूमत के साथ भी जो मुआहदा हुआ था उसके अंदर भी ये क्लॉज मौजूद थी कि आप इस तरीके के साथ ज़रे मुबादले के ज़खायर को मेंटेन करने के लिए निजी बैंकों से कर्ज नहीं लेंगे। अब हमने 3 अरब 93 करोड़ यानी तकरीबन 393 अरब रुपए का हमने कर्ज ले लिया है। इस सिलसिले में जब कोशिश की गई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कि जरा ये भी बता दीजिए कि कितने परसेंट मार्कअप के ऊपर आपने ये निजी बैंकों से कर्ज लिया है, तो ये बताने को कोई तैयार नहीं है। कर्ज भी लिया है, इसकी जो भी इसका खमियाजा होगा, जो भी इसका मार्कअप होगा वो अल्टीमेटली कौमी खजाने से पे होना है, लेकिन उसका कोई शरह बताने को तैयार नहीं है कि किस शरह मार्कअप के ऊपर, कितने तनासुब के ऊपर ये कर्ज लिया गया। ठीक है, यानी शक ये जाता है राव साहब के कहीं बहुत ही हैवी मार्कअप है जिसको बताने की जहमत भी नहीं कर रही, या पूछते हैं तो बताने की कोशिश नहीं की जा रही। हुकूमत कर्जा लेकर ज़रे मुबादला को मेंटेन करे, हुकूमत बाहर से कर्जा ले जो यहाँ के कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे कर्जा ले और उसके बाद कहे कि देखिए जी ज़रे मुबादला के बारे में ये वादा किया था वो वादा हमने वफा कर दिया, तो ये वादा वफा करना तो ना हुआ, ये तो एक तरह से फजिंग हो गई। इसमें एक थोड़ी सी हमें मज़ीद तहकीक की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आप इंटरनल बारोइंग करते हैं डॉलर की चाहे करते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसका, क्योंकि जितना फॉरेक्स रिजर्व पाकिस्तान के अंदर है किसी भी बैंक के पास है वो रिपोर्टेड होता है स्टेट बैंक को रिपोर्टेड होता है, और वो सारा इंक्लूडिंग दिस 3.93 ये बन रहा होगा जितना भी 21-22 जो है, तो इसको लेके कोई इजाफा नहीं होगा ना किसी की पेमेंट में ये काम आएगा। मार्कअप वाली बात जो आपने की उसमें मुझे शक पड़ रहा है कि ये किसी को मार्कअप देने के लिए या इस तरह करने के लिए एक ड्रामा लगाया गया कि ये लोन ले लिया हमने और अब इस पर मार्कअप देंगे, हम फॉरेक्स रिजर्व्स हम रखेंगे। जो रिपोर्टेडली जो इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं इस वक्त वो ये कि इन्होंने एक और फिर एलिमेंट इसमें आता है, इन्होंने कोशिश की थी चाइना से पैसे लेने की कि किसी तरीके हम जो पेमेंट्स हैं वो एक्सटर्नल बारोइंग करके उससे कर लें। फिर ADB के साथ इनकी नेगोशिएशन चल रही है 700 मिलियन डॉलर की, जिसमें एनर्जी सेक्टर में 350 मिलियन डॉलर का वो इंजेक्ट करना चाहते हैं, और 350 मिलियन डॉलर इसी काम के लिए एक्सटर्नल जो प्रेशर है इकॉनमी के ऊपर उसको कम किया जा सके उसमें। इसका मतलब या तो ADB ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है, चाइना से जो बात करना चाह रहे थे चाइना ने भी रिफ्यूज़ कर दिया, उसके बाद अभी एक नया ड्रामा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बात यह कि जो काम करने का है उसकी तरफ नहीं तवज्जो, आपको अपनी एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर आप तवज्जो नहीं दे रहे। इम्पोर्ट पे जब बात आती है आप कहते हैं जी वो CPEC की वजह से मशीनरी बड़ी आ रही है, तो मैंने जब उसके फिगर्स चेक किए तो जो पिछले साल जो मशीनरी आई थी उससे तकरीबन 2.5 बिलियन कहले के ज़्यादा आई है, लेकिन एक्सपोर्ट जो डिफरेंस वो जो इम्पोर्ट बढ़ी है वो तकरीबन 6.3 बिलियन डॉलर बढ़ी है। इसका मतलब है 4 बिलियन डॉलर जो है वो इम्पोर्ट्स बढ़ी हैं आपकी, आप मशीनरी का बेशक उसमें लगा लें CPEC का, लेकिन उसको निकाल के भी आपकी 4 बिलियन डॉलर 1.3 बिलियन डॉलर आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। तो ये गैप जो 25% पे चला गया ये जो ओवरऑल जो उसके परसेंटेज खसारे के वो 88%, दैट इज़ वेरी डेंजरस। आपके फॉरेक्स पे प्रेशर बढ़ेगा
आपके फॉरेक्स पे प्रेशर बढ़ेगा, आप जो मर्जी इस किस्म के गिमिक्स कर ले, पैसे पकड़े इधर करें, अल्टीमेटली आप उस स्टेज पे जा रहे हैं कि आप फिर कशकोल उठा के फिर भागे होंगे आईएमएफ के पास। वजारत खजाना के हवाम से इस सिलसिले में मेरी बात हुई, मैंने कहा इनसे पूछे क्या सूरत है, वो कहते हैं फिक्र ना कीजिए, तसल्ली रखिए, ये जो जितना आपको डेफिसिट नजर आ रहा है ना, जितना डिफरेंस आ रहा है नेक्स्ट फिस्कल ईयर के अंदर, इसके उतने ही आपको समरात मिलेंगे, सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। वो कहते हैं कि स्टेट बैंक भी कहते हैं कि फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, ये इकोनॉमी रिवाइव करेगी, मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे, सब अच्छा हो जाएगा। सब अच्छा हो जाए तो बेहतर, लेकिन कहां से होगा भाई, कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं आप, कोई आपकी एक्सपोर्ट पे कोई बहुत ज्यादा कमाल दिखा दिया, कहते हैं मशीनरी इंपोर्ट हुई, आप देखिए मशीनरी दो बेल आउट पैकेज दे देगी, एक्सपोर्ट वालों को दो बेल आउट पैकेज दे चुके, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए मुझे अगले टॉपिक की तरफ जाना है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर सूरत हाल बेहतर होना होती तो जिन चार सालों के अंदर हो जाती है, लास्ट साल के अंदर क्या होगा, और अगर वाकई में आखिरी साल में बेहतर हो सकती है सिचुएशन, तो फिर पिछले जो चार साल गुजरे उनके अंदर क्यों बेहतर ना हो सकी। इम्पोर्ट्स हमारी बढ़ती चली जा रही है और गैर जरूरी इम्पोर्ट्स भी बढ़ती चली जा रही है, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही है और उसकी तरफ किसी का ध्यान कोई नहीं है, ज़राअत की तरफ किसी का ध्यान कोई नहीं है, जो हम पहले किसी जमाने में एक्सपोर्ट किया करते थे, टेक्सटाइल का भी सेक्टर का देख लीजिए हाल। लेकिन अब जो इन्वेस्ट करना है पैसा, उस बारे में बात कर लेते हैं, और उसी हवाले से जो है हमारा अगला टॉपिक है, वो है अगली जेनरेशन में, वो जेनरेशन जिसने आगे चल के पाकिस्तान को संभालना है, वो जेनरेशन जो कि हिफाजती टीकों से भी महरूम है। टीके मौजूद हैं, लेकिन आपको याद होगा वो शकील आफरीदी, डॉक्टर शकील आफरीदी वाला मामला हुआ, उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा ये वैक्सीनेशन के हवाले से। हमारे मुल्क के अंदर पहले बहुत सारे हार्ड एरियाज हैं राव साहब, उन हार्ड एरियाज के अंदर पहले ही रीच बड़ी मुश्किल थी, अब टीके मौजूद, वैक्सीनेशन मौजूद, उसके बावजूद 44% बच्चे जो हैं, कम उम्र बच्चे, वो वैक्सीनेशन नहीं उनको लग पा रहे। निगाह, इसमें दो तीन इश्यूज़ है बड़े सीरियस किस्म के। एक तो ये वैक्सीनेशन का है, उससे पहले मैं जो मैटरनिटी डेथ जो है वो पाकिस्तान में जो रेशो है इस वक्त बच्चों की पैदाइश की और शराबवाद की, वो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जो चाइल्ड केयर और हेल्थ केयर का, जो मदर और चाइल्ड की हेल्थ केयर के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए, बेनजीर भुट्टो ने एक स्कीम शुरू की थी जिसमें वो घर घर में वो ट्रेनिंग दे के लेडीज़ को दूर गांव में फैलाया था, वो बड़ा इफेक्टिवली उसने काम किया था और काफ़ी उसके रिजल्ट्स भी आना शुरू हुए थे। आई थिंक वो प्रोजेक्ट या तो अबैंडन कर दिया गया या उसको किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी, अभी उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा रही अगर है अभी तो वो एक तो वो बेसिक इशू आ रहा है। दूसरी चीज़ जो आ रही है वो अवेयरनेस जो है पेरेंट्स की कि बच्चे की वैक्सीनेशन का शेड्यूल कैसे होता है, कब कब लगने चाहिए उसको, ठीक है, वो बहुत सी जगहों पे है लेकिन ज़्यादातर जो हमारे इलाके हैं उसमें वो आगाही उस तरह से नहीं है कि अगर एक महीने बाद बच्चे की पैदाइश का टीका लगना है वो अगर आप मिस कर गए तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर जो तीन महीने बाद लगना है वो मिस कर गए प्रॉब्लम, 7 से 8 जो मौलिक बीमारियाँ हैं उनका वो वैक्सीनेशन होती है 2 साल की उम्र तक, 5 साल तक बल्कि चलती है वो, तो वो अगर आप उसको शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे वो भी एक इशू आ जाता है। उसके बाद आ जाती है आपकी वैक्सीन जो आपके अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन जो है, अब मैंने पिछले एक दो प्रोग्राम पहले भी जिक्र किया था कि 13 लाख डोजेस पोलियो की ज़ाया हो गई यहाँ पे वैक्सीन की इस्लामाबाद में पड़ी और उसकी जिम्मेदारी ज़ाहिर है किसी पे फिक्स होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन भी उसके ऊपर हो रही है। फिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन का इशू आ जाता है, जब आपको मिल जाती हैं समटाइम मोस्टली डोनेशन में आ जाती हैं, बहुत बड़े इंटरनेशनल जो फिलंथ्रॉपिक ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कर रही हैं काम, प्रोवाइड कर रही हैं, बिल गेट्स मिलिंडा फाउंडेशन भी है उसमें एक, वो आपको वैक्सीन जब देते हैं उसकी आप ट्रांसपोर्टेशन जो है प्रॉपर दूसरे शहरों में जब आप भेजते हैं तो उसमें समटाइम्स केयरलेसनेस होती है, टेम्परेचर का कंट्रोल अगर वहाँ पहुँच गई सही तरीके से तो जहाँ बेसिक हेल्थ यूनिट वगैरह जिस एरिया में है वहाँ पे उनकी स्टोरेज का क्या सिस्टम है, फिर आपकी लोड शेडिंग सबसे बड़ा उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि अगर स्टोरेज का है भी फ्रिज भी है तो बिजली नहीं है तो वो फिर फ्रिज में कैसे महफूज रहेगी, फिर उसके एक पीरियड होता है उसका, उससे ज़्यादा आप रख नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें जो मिल के ना इस पूरे सिचुएशन को ख़राब कर रही हैं, मैटरनिटी डेथ से लेके तो वैक्सीनेशन तक ये हर बच्चे जो है ना वो बहुत मुश्किलात का शिकार है, 40% तक आप पहुंचा ही नहीं पा रहे, ये एक और प्रॉब्लम है उसमें, तो ये बहुत सीरियस इशू बनता जा रहा है जिसपे फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपने तरक्की याफ्ता दुनिया में रहना है और आगे बढ़ना है तो अपनी यंग जो जनरेशन है, जो बच्चे आ रहे हैं आप दुनिया में, उनकी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। राव साहब, फ्यूचर है, फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो आगे चल के तरक्की करेगा। सोहेल साहब, यहाँ 5,000 चाइल्ड स्पेशलिस्ट है मुल्क के अंदर, 20 करोड़ की आपकी आबादी है, 5,000 चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, बच्चों के हमारे यहाँ जो पैदा होने की शरह है वो बहुत ज्यादा है, और ऐसे में सहूलियात भी कम, डॉक्टर्स भी कम,
तो फिर जाएं तो जाएं किधर? पेरेंट्स को अवेयरनेस देने की बात तो एक तरफ कि ठीक है, गिजा और वो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन एटलीस्ट आप सहूलत फराहम तो करें, तब जाके वालिदैन जाएंगे ना इन तमाम वैक्सीनेशन के हवाले से। अनिका दुरुस्त कह रही हैं, अगरचे के 20 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 5,004 स्पेशलिस्ट हैं, अगरचे कम है, लेकिन उसके साथ अगर हम जो हम बात करें हिफाजती टीका जात की और वैक्सीनेशन की, हिफाजती टीका जात भी हमारे पास मौजूद है, वैक्सीन भी मौजूद है, उसकी किसी किस्म की कोई कमी का सामना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हिफाजती टीका जात और वैक्सीन की कवरेज कम होने के बायस तकरीबन जो पाकिस्तान का शुमार होता है जनूबी एशिया ममालिक के अंदर, वो उन सरफहरिस्त ममालिक में होते हैं जहाँ पर शर्मवाद बच्चों में सबसे ज़्यादा है। बुनियादी वजह उसकी क्या है कि चूंकि मुख्तलिफ मौज़ी ऐसे अमराज हैं जो 5 साल की उम्र तक के बच्चों को लगती हैं और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं, उन्हें हिफाजती टीका जात नहीं लग पाते और वैक्सीन नहीं मिल पाती, और ऐसे ऐसे अमराज नहीं है जिनको जिनसे बच्चों को बचाया ना जा सके, सोहेल साहब exactly, बड़े बेसिक हैं सिर्फ इस चीज की है। और इसका बताया गया है कि अब एक तो वालदैन के अंदर इसके एहसास जिम्मेदारी की जरूरत है, और उसके बाद कुछ हमारे बहुत कम हार्डिट एरियाज है जहां पर वैक्सीन पिलाने वाली, हम पोलियो की बात करते हैं, वहां टीमें नहीं पहुंच पाती, लेकिन मेरे ख्याल में गुज़श्ता कई सालों से जो इतने बड़े पैमाने के ऊपर अवेयरनेस के हवाले से बात की जा रही है, लोगों के अंदर अब एक अवेयरनेस आ चुकी है, तो अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो जब ये मुख्तलिफ टाइम के अंदर ये कैंपेन चलती हैं, वो पोलियो की हो या दीगर वैक्सीनेशन से मुतल्लिक हो, तो वालदैन को भी मेखल में एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए उन मराकज तक जाना चाहिए, अपने बच्चों को वहां पर जाकर हिफाजती टीका जात भी लगवाना चाहिए और वैक्सीनेशन भी करवानी चाहिए। मराकज की बात कर रहे हैं सोहेल साहब, तो थैलेसीमिया के मराकज जो है कराची के अंदर अभी तक कितने अरसे से बने नहीं, उसकी भी बात कर लेते हैं राव साहब, वो मराकज में जाएं पेरेंट्स, लेकिन थैलेसीमिया के पेशेंट्स जो हैं वो भी एक ऐसा मर्ज है जो कि जिसके अंदर रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही है, इससे पहले मैं पोलियो की बात कर दूं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से कहा जाता है कि फाटा और उस एरिया में केस है, इंटरेस्टिंगली पिछले साल एक केस रिपोर्ट हुआ और वो चूहा सैदन शाह में हुआ जो सेटल्ड एरिया है पंजाब का, तो इसलिए ये मेरा ख्याल है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ कहीं पर है, सिर्फ ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी और चीज़ें ये अच्छा सिंध में तो जो सूरत हाल है हम रोज़ ही आलमोस्ट उसका रोना रो रहे होते हैं, जो वहाँ पे तवज्जो जिस तरह से चीज़ों पे दी जा रही है, जो हमने देहातों से जो लोग शहर में आके इलाज कराने आते हैं उनकी सूरत हाल, फिर देहातों के अंदर जो सूरत हाल है, स्कूलों की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पे अभी गर्मी शुरू होगी, अभी जो वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होगा जो ड्राउट आता है तो उसमें बच्चों के साथ जो वहाँ पर होता है पानी की कमी की वजह से और फैसिलिटीज की कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो ये तो रोज़ का रोना है। अब कराची वालों को सिंध की हुकूमत को अल्लाह ताला को हिदायत दे कि ये इन चीज़ों को 6 साल हो गए आप लेके बैठे हुए, उसको मुकम्मल ही नहीं कर पा रहे आप, बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट ये थैलेसीमिया एक बहुत मूजी मर्ज बन चुका है जो बच्चों के जो ब्लड डल्यूट हो जाता है और उससे सारे ये प्रॉब्लम पैदा होते हैं, उसमें शायद थोड़ा सा अवेयरनेस का भी इशू है कि जो शादियों के वो कजन मैरिजेस बहुत चेकअप चेकअप करा ले, ये सेंटर होंगे तो उसका होगा, थोड़ी अवेयरनेस हो, थोड़ा लोगों को फैसिलिटीज हो, लोग जाके चेक करें, फिर ये जाके मसले हल होंगे। इस तरह तो नहीं होंगे कि आप सिर्फ गैस के ऊपर आप धमकियां लगाते रहें और जो काम करने का लोगों की फैसिलिटी देने की है वहाँ पे आप खामोश हो जाएं। सही ठीक है, कराची की बात कर रहे हैं, स्पेशली हेल्थ की बात करें, बच्चों की हेल्थ की बात करें, अगर आपके घर पर टीम नहीं भी आ रही वैक्सीनेशन की तो खुदारा मराकज में जाएं, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन लगवाएं, एक कार्ड मिलता है जिसके अंदर डेट और साथ ही साथ बच्चों की जो उम्र होती है वो लिखी होती है और उसके ऊपर वैक्सीनेशन का पूरा स्केड्यूल लिखा होता है, उसको फॉलो करें, अपने बच्चों की जिंदगी को एटलीस्ट सेफ गार्ड करें। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और कराची की बात कर रहे थे, कराची के अंदर थैलेसीमिया के मराकज की, तो कराची की जरा बात कर लेते हैं और पानी की बात करते हैं। एक अहम मसला जो कराची के शहरियों को परेशान किए रखता है, लेकिन अब एक नई चीज सामने आई है, वो किंजर झील से पानी मिला करता है कराची वालों को, लेकिन वहां से पानी चोरी हो रहा है, कहाँ जा रहा है? कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं आजकल, हम देखते हैं कि बेशतर इलाके ऐसे जहां पर 15 से 20 रोज तक पानी की सप्लाई बिल्कुल ना आता ही नहीं है पानी, और उसके बाद एक या दो दिन आया फिर उसके बाद पानी गायब। अब वजह क्या होता है? वाटर बोर्ड कहता है कि पानी की शॉर्टेज है। अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि किंजर झील से जो कराची को पानी सप्लाई किया जाता है वहां से 7 करोड़ गैलन यौमिया पानी दाभिजी जो इलाका है दाभिजी उसकी जरी जो अराजी है उसको शराब करने के लिए वो पानी चोरी करके पानी उस तरफ मुंतकिल कर दिया जाता है। अब वो अराजी किसी आम लोगों की तो वहाँ पर हो नहीं सकती, यकीनन उन इन्फ्लुएंशियल की वो अराजी है जो वाटर बोर्ड को और बाकी तमाम इंतजामियों को बेबस करके वहाँ से उनको ऑर्डर करते हैं कि ये पानी जरी जिनकी अराजी उनको शराब करने के लिए छोड़ा जाए। ये बताएंगे किसकी अराजी है? नहीं कहा इसको तो इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, लेकिन ये एस्टेब्लिश है, ऑब्वियस है कि किसी ऐसे आम शहरी की ये राजी नहीं है जिसके लिए वाटर बोर्ड समेत पूरी मशीन सरकारी मशीनरी
इसको अपने फराइज पूरे तंदही से अंजाम दे रही है कि इस शहरियों को पीने के लिए या उनका अपने मकासद दीगर मकासद के लिए पानी सप्लाई नहीं करना, लेकिन इस पानी को जरी मकासद के लिए उन लोगों को शराब करना है जिसकी इजाजत नहीं है। और ये 7 करोड़ गैलन जो पानी यौमी है इसकी मकदार इतनी है कि पूरे इस्लामाबाद को जो इस पानी की उसकी तलब है वो 6 करोड़ गैलन यौमिया है, जबकि इस्लामाबाद को आजकल वैसे तकरीबन 5-5.5 करोड़ गैलन यौमिया पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो यानी इतनी मकदार का पानी जिससे पूरे इस्लामाबाद की पानी की तलब पूरी हो सकती है, इतना पानी कराची के शहरियों को महरूम करके जरी राजी को शराब कर किया जा रहा है। एमडी जो वाटर बोर्ड है कराची वाटर बोर्ड के, उनके नॉलेज में भी ये बात आई, लेकिन ना तो उन्होंने कोई इंक्वायरी करवाई है ना कोई एक्शन करवाया है। वो कैसे एक्शन करवाएंगे, उन्हें पता है जैसे कोई इंक्वायरी करवाए तो मुझे तो उदे से हटा दिया जाएगा, तब्दील कर दिया, वो भी खामोशी से बैठे हो। ये बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसके ऊपर वजीर अला सिंध को थोड़े से इस मामले को देखना चाहिए। उसके बाद यही सूरत हाल आजकल वफाकी दारुल हुकूमत में भी है, शहरियों को पानी की पहले ही किल्लत का सामना है। जमात इस्लामी ने यहाँ पर दोबारा एहतजाज करने का प्लान किया और CDA को मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को ये वॉर्न किया है कि पानी की सूरत हाल को बेहतर बनाएं वरना हम एहतजाज करेंगे। सिमली डैम के अंदर पानी की सतह मुसलसल बड़ी तेजी से कम हो रही है, खानपुर डैम के अंदर भी। अब मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने यह डिसाइड किया कि आइंदा हफ्ते से सिमली डैम से तकरीबन 5 मिलियन गैलन पानी की फरामी मजीद कम की जाएगी, क्योंकि डेली यौमी बुनियाद के ऊपर सिमली डैम से डैम में पानी की सतह 2 फुट मुसलसल कम हो रही है। चलिए ठीक है, बाकी तमाम चीजों के ऊपर सियासत चमकाने के लिए राव साहब आ जाते हैं लोग, लेकिन जब बात आती है हुकूक की, आवाम के हुकूक की, तो वहाँ कराची के अंदर भी के इलेक्ट्रिक के हवाले से एहतजाज करती जमात इस्लामी नजर आ रही थी, आज भी हम लोगों को जमात इस्लामी नजर आ रही है एहतजाज करती हुई। PTI बड़े, पीपल्स पार्टी बड़े, क्यों नहीं लोग बड़े और आवाम के हुकूक की बात करें? कल इमरान खान साहब को मैं सुन रहा था, मेरा ख्याल है वो कोई कह रहे थे कि एहतजाज की पता नहीं किस चीज़ पे करेंगे, एहतजाज पानी पे शायद कर रहे हो या किसी और चीज़ पे कर रहे हो, लेकिन यह कि ये बहुत सीरियस इशू है कराची का, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। ये ज़रई के लिए अलहदा चोरी हो रहा है और जो कराची के अंदर पानी पहुंच जाता है वो भी चोरी करके लोग टैंकरों में बेचते हैं। सही, यानी कराची के शहरियों के हुकूक को नहीं देखा जा रहा। राव साहब बहुत शुक्रिया, सहेल साहब बहुत शुक्रिया, आप दोनों ज्वाइन किया, लेकिन इतना जरूर है कि अगर अवाम को बहुत देर तक हुकूक ना दिए गए तो फिर अगले इलेक्शंस के हवाले से हुकूमत को मुश्किलात का सामना, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या फिर वफाकी हुकूमतें हों, हुकूमत हो, उनको मुश्किलात का सामना जरूर करना पड़ेगा। और बिलखसूस एक ऐसा बेसिक फंडामेंटल राइट जो कि हर शहरी को वैसे ही मिलना चाहिए जिंदा रहने के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। थर के अंदर हम हालात देख रहे हैं, हमारे आज के शो से इतने ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिए, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआगो रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।